आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ बातें पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो भाई वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे हमने ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया, और उसके बाद इसको हमने थर्मोस्टेट पे रखा, मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मैनोमीटर लगा दिया है और अंदर एक वैक्यूम जैसा क्रिएट कर दिया। उसके बाद अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि यहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा और एक टाइम के बाद फिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिक्स होने का ये मतलब है कि अब ये जो लिक्विड स्टेट है और जो वेपर स्टेट है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बन गया है, ठीक है भाई। तो अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे इस वेपर का जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। तो अब इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे बोलेंगे? इफ अ प्योर लिक्विड और अ सोल्यूशन इज टेकन इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, यानी कि जहाँ से आपने एयर बाहर निकाल दिया, इन अ थर्मोस्टेट, यानी जिसका टेम्परेचर फिक्स है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड द वेसल इज कनेक्टेड टू अ मैनोमीटर, जैसा कि दिखा रखे हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ द वेपर इन द स्पेस अबव द लिक्विड सोल्यूशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो काफ़ी टाइम तक तो पहले वेपर बनेगा, वेपर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दिस इज बिकॉज एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जिस रेट से, क्या इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि अब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना बंद हो गया है? नहीं, इसका ये मतलब है कि जिस रेट से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी रेट से वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस जब सेम रेट में आ जाएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई अब इक्विलिब्रियम आ गया। तो वही यहाँ पे दिया है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स द इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, द प्रेशर दस एग्जर्टेड बाई द वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है भाई। तो अब ये जो वेपर है, इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा चारों तरफ, और स्पेशली हम लिक्विड पे बात कर रहे हैं, ये वाला प्रेशर, इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हमें बात समझ में आ गई। हेंस वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन, यानी कि ये आप किसी लिक्विड की भी बात कर सकते हो कि हमने भाई इथेनॉल केवल ले लिया है ना, या ये भी हो सकता है कि आप सॉल्यूशन ले लो इथेनॉल और प्लस साथ में वाटर भी ले लो। जब आप केवल इथेनॉल लोगे, तब ऊपर जो वेपर बनेगी कंटेनर के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, उस वेपर में केवल इथेनॉल होगा। और अगर आप मिक्सचर ले लेते हो, इथेनॉल लेते हो और वाटर लेते हो, दोनों ले लिया आपने, तब तब ऊपर दोनों के ही पार्टिकल्स होंगे और दोनों ही अपना अपना प्रेशर लगाएंगे, ठीक है भाई। तो अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ की। हमने हेनरी का लॉ देखा, वहां हमने क्या देखा था? वहाँ हमने देखा था कि गैस लिक्विड, गैस को आपने लिक्विड सॉल्वेंट में ऐड किया, डिजोल्व कर दिया। फिर हमने कहा कि भाई अगर आप लिक्विड को भी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो, जैसे गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो, ऐसे ही लिक्विड को भी लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हो और सॉलिड को भी लिक्विड में डिजोल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए राउल्ट ने अपनी कुछ बात, अपनी रिसर्च की है, बात बताई है, हम वही आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम केस कौन सा लेंगे? लिक्विड लिक्विड का लेंगे। अभी हम सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने दो लिक्विड को मिक्स किया है, ठीक है भाई। तो अब इसमें एक बात और आप समझ लीजिए कि वॉलेटाइल सबस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वॉलेटाइल का मतलब ये है कि एक ऐसा सबस्टेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो लो टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। जैसे कि आप अभी बार बार अपना जो हैंड वॉश करते हैं, या जो आप इथेनॉल आप लगाते हैं हाथ में, तो वो फटाफट क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। तो सबस्टेंस दैट आर गैसेस
एट रूम टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, यानी कि हमारे जो रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस गैस फॉर्म में है वो क्या क्या है? नाइट्रोजन गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, CO2 गैस फॉर्म में है। तो अगर ये क्या है, ये हाईली वॉलेटाइल है, यानी कि अगर इनको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर करना पड़ेगा और बहुत हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि चलो भाई गए थोड़ा सा पॉलीथीन में ऑक्सीजन लेके घर आ गए, ऐसे थोड़ी होता है। ऑक्सीजन के लिए अलग से हमारे पास अलग से उसका जो है तो एक मशीन होगा, वो मशीन क्या करेगी, हाई प्रेशर जनरेट करेगी लो टेम्परेचर, तब जा करके आप हम ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रख पाएंगे। और उसको थोड़ा सा भी बाहर निकाला, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो मटेरियल्स हैं, इसके अलावा इथेनॉल भी, इथेनॉल का भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है, तो वो भी क्या है, एक वॉलेटाइल मटेरियल है। तो चलिए अपने को ये बात समझ में आ गई कि वॉलेटाइल मटेरियल क्या होता है। फिर क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, हम इसकी बात आज करने वाले हैं। एज बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वॉलेटाइल, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमने लिक्विड और लिक्विड मिक्स किया है, और दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है। यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी आप उसको रख दो तो वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा। अच्छा, ईच कंपोनेंट विल फॉर्म वेपर अबव द सॉल्यूशन, यानी कि अगर हमने इस तरीके से कंटेनर में मान लीजिए कि इथेनॉल ले लिया और वाटर ले लिया, इथेनॉल ले लिया और वाटर ले लिया, तो भाई जो वेपर बनेगा दोनों का बनेगा, और दोनों का ही जो वेपर होगा वो एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसको वेपर प्रेशर हम बोलेंगे। तो यानी कि अब जो वेपर प्रेशर बना है उसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। वेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड ईच कंपोनेंट विल एग्जर्ट अ वेपर प्रेशर कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। तो भाई जब अकेला आप लेते हो, जब अकेला केवल इथेनॉल लोगे तब तो केवल क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोल देंगे, लेकिन अगर तुमने दो का मिक्सचर ले लिया, इथेनॉल और वाटर दोनों चीज़ ली है, तो दोनों का ही प्रेशर बन रहा है। तो यार अब हम इसके लिए क्या टर्म यूज़ कर लेंगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेनॉल, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है किसका कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन पे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कहें भाई, सीधी सी बात है कि ये एक रूम है और इस रूम में हमने ये लिक्विड ले रखा है, और इस लिक्विड में दो चीज़ें हैं, इथेनॉल है और वाटर है। तो भाई जिसका जिसका गैस की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा प्रेशर बनेगा। मान लो हमने इथेनॉल और वाटर का रेशियो ऐसे लिया है कि इथेनॉल हमारे पास सपोज 5 इसका यूनिट वॉल्यूम में है और ये सपोज 1 यूनिट वॉल्यूम में है, तो सीधी सी बात है कि इथेनॉल वैसे भी वाटर से ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो अगर तुम सेम अमाउंट भी लोगे तब भी इथेनॉल ज़्यादा मिलेगा हमको यहाँ एटमोसफेयर में, इस रूम में, चैम्बर में। और अगर आपने वैसे ही हमने वॉल्यूम ही ज़्यादा ले लिया तब तो सीधी सी बात है कि इसका क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वेपर फॉर्म में तो भाई उसका प्रेशर ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमने ये बात तो 11th क्लास में ही पढ़ ली है कि यार नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हैं, अगर किसी गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर उसका जो है तो प्रेशर भी, सेम टेम्परेचर के अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे दी है कि पार्शियल प्रेशर हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। ये इस पे भी डिपेंड करेगा, जो मोल, जो इसका पार्शियल प्रेशर है ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि जब आप उस कंपोनेंट को प्योर स्टेट में लेते हो, मान लो कि हमारे पास यहाँ पे केवल इथेनॉल है, जब केवल हम इथेनॉल लेते हैं तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना बनता है, और जब केवल हम वाटर लेते हैं तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना बनता है। तो यार पार्शियल प्रेशर कितना बनेगा ये इस पर डिपेंड करेगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारे पास ये चैम्बर है और हमने इसमें केवल इथेनॉल लिया, ठीक है भाई, केवल इथेनॉल, और ये चैम्बर है हमने इसमें केवल वाटर लिया। तो अब वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, दो फैक्टर पे। फैक्टर नंबर वन है कि भाई अगर आप टेम्परेचर सेम रखते हो तो फैक्टर नंबर वन हो जाएगा कि एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे इथेनॉल के मॉलिक्यूल से, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है,
वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या रूम का टेम्परेचर इतना पावरफुल है कि वो इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स को फटाफट जल्दी जल्दी ब्रेक कर दे। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो मॉलिक्यूल के बीच में, जब जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इस अट्रैक्शन को जो जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो उतना ही कम कन्वर्ट होगा वेपर में, और ये अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में जिसका जिस कंपोनेंट का जिस मटेरियल का वीक होगा वो फटाफट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो फटाफट वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रेशर फिर ज़्यादा बनेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला फैक्टर तो क्या हो गया, पहला फैक्टर हो गया इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, और दूसरा फैक्टर क्या हो गया टेम्परेचर खुद, कि अगर मान लो हम टेम्परेचर ही ज़्यादा कर दें तब भी इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि अब जब ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये दो फैक्टर हैं। अब बात करते हैं, अब हमने वो बातें समझ ली हैं जो हमें राउल्ट्स लॉ पढ़ने के पहले जानना था। दो बातें, एक हमको जानना था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, दूसरा ये जानना था कि भाई ये जो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, दो बातें हमें पता करने थी, पता चल गई। अब हम डायरेक्ट आते हैं राउल्ट्स लॉ। तो देखिए बात 1886 की है, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं फॉर अ सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वे लिक्विड हो सकते हैं, हम अभी दो की बात करते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर हम बात कर रहे हैं, दो लिक्विड हमने ले लिए, क्या कह रहे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स, एक सॉल्यूशन हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि दो दो लिक्विड हैं, दोनों कैसे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है भाई। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड है, और भाई ये जो लिक्विड है इसमें जो हमने लिक्विड लिए हैं वो कैसे हैं, वॉलेटाइल लिक्विड हैं। तो ये कह रहे हैं कि यार इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मोल फ्रैक्शन के। तो ये लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, हम एक कंपोनेंट हमने लिया ए और दूसरा कंपोनेंट हमने लिया बी, एक कंपोनेंट लिया हमने ए और दूसरा कंपोनेंट लिया बी। मान लीजिए ए कंपोनेंट के हमने लिए 6 मोल्स और बी कंपोनेंट के हमने लिए 4 मोल्स, तो टोटल कितना हुआ 10। तो इस तरह से ए का अगर मैं कहूं आपसे कि मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, तो भाई सीधी सी बात है 0.6 हुआ। हम कहें बी का मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, तो सीधी सी बात है 0.4 हुआ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है, एक में कितना, जैसे परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या बोला जाता है, 100 में कितना, तो मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, एक में कितना। तो अगर हम दोनों का अमाउंट 1 ले लेते हैं तो दोनों के जो मोल्स आते हैं वो इस रेशियो में आते हैं, ठीक है। अब जो ये मटेरियल ए है जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये एक प्रेशर इस पे एग्जर्ट करेगा, ए का कुछ प्रेशर होगा, इसी तरीके से बी का भी कुछ प्रेशर होगा। और राहुल कह रहे हैं कि यार ये जो पी है ना ये डायरेक्टली प्रपोजनल होता है इसके, और ये जो है ना ये इसके होता है डायरेक्टली प्रपोजनल। मतलब किसी चैम्बर में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इस पे डिपेंड करता है कि तुमने उस कंपोनेंट को लिक्विड में लिया कितना है, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर बनेगा, कम लोगे कम बनेगा। अब इसी बात को मैथमेटिकल तरीके से ऐसे लिखेंगे, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास कंप्लीटली मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड है ना, ये भी ध्यान रखना है इस वर्ड पे, मिसिबल होना चाहिए। एक ए है एक बी है, इनका मोल फ्रैक्शन एक का एक्स ए है, सॉरी एक्स गलती से निकल गया, काई है ये, है ना, काई ए और काई बी, ठीक है भाई, और इनका पार्शियल प्रेशर पी ए पी बी, ठीक है, और इनका प्योर स्टेट में जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट ए पी नॉट बी। तो क्या कहा जा रहा है, वही जो अभी हमने देखा कि भाई पहले वाले का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये मोल फ्रैक्शन कहाँ का है, ये मोल फ्रैक्शन, ये जो कंटेनर था ये मोल फ्रैक्शन
लिक्विड वाले का है या गैसियस वाले का है? तो भाई लिक्विड वाले का है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है, और दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके सॉल्यूशन में कितने मोल्स आपने लिए हैं उसके मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे यार जो कांस्टेंट आता है ना, ये क्या आता है, ये कांस्टेंट आता है पी नॉट ए। अब ये थोड़ा सा समझना है क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसका ये मतलब है पी नॉट ए, ये तो ऊपर हमने बता दिया कि पी नॉट ए है क्या, पी नॉट ए वो वाला प्रेशर है, पी नॉट ए वो वाला प्रेशर है कि जब पी ए क्या है और पी बी क्या है, कि जब मिक्सचर हो हमारे पास तो भाई ए का जो प्रेशर है वो पी ए और बी का जो प्रेशर है वो पी बी। और मान लो अगर हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें हमने एक ही मटेरियल लिया है, वो कौन सा है, ए, तब जो प्रेशर बनेगा तब आप उसको पी ए नहीं रिप्रेजेंट करोगे, तब आप लिखोगे पी नॉट ए। मतलब जब जब ए कंपोनेंट अकेला होता है तो जितना वो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, और ये वाला क्या है, पार्शियल है, ठीक है भाई। तो अब यहां पे देखिए क्या आ रहा है, मान लो कि यार हम केवल एक ही कंपोनेंट लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने केवल एक ही कंपोनेंट लिया। जब तुमने यार एक ही कंपोनेंट लिया तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा 100 सॉरी 1, ऐसे समझो कि एक क्लास में गर्ल्स और बॉयज दोनों 50-50 हैं। अब एक दिन गर्ल्स आई ही नहीं, सारे के सारे बॉयज आ गए, ठीक है, बारिश हो रही थी। अब पूछा जरा बताओ बॉयज कितने हैं, तो यार 100% है क्योंकि गर्ल्स तो है ही नहीं। तो इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे, हम कहें बताओ बॉयज का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो कितना होगा, 1 होगा। तो यार अगर तुम ये वाली वैल्यू, अगर तुम ये वाली वैल्यू 1 कर दोगे, है ना, तो अब यहां अंदर का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको तो हम पी नहीं लिख पाएंगे, अब तो हमको पी नॉट ए लिखना होगा। तो वही तो यहां पे बोल रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है, जो पार्शियल प्रेशर ए का होगा, अगर तुम्हारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तब वो किसके इक्वल हो जाएगा, तब वो पी नॉट ए के इक्वल हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि यार पार्शियल प्रेशर, मान लो कि हमने ये कंपोनेंट दोनों ले लिए, यहाँ पे ए भी है और बी भी है, ठीक है, और पी ए का पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर पी ए और बी का पार्शियल प्रेशर पी बी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसी मैंने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है कि वो लगातार जो बी है उसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में पी ए की वैल्यू मान लेते हैं ऐसे कि भाई 5 यूनिट थी, तो बी को थोड़ा बाहर निकाल लिया गया तो उसकी थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा हो गई, 6 हो गई। अच्छा, जब ए कंपोनेंट अकेला होता है तब मान लो इसकी वैल्यू कितनी होती है, सपोज 8 यूनिट होती है, तो हमें क्या पता है कि जब ये अकेला होता है तो कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है, 8 8 यूनिट, और जब साथ में हमने कर दिया तब कितना प्रेशर लगा रहा है, ये 5। तो अब हम बी को बाहर निकालते जा रहे हैं, बी को बाहर निकालते जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 5 से हुई 6, फिर 6 से हुई 7, और पूरी तरह से जब बाहर निकाल देंगे तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। बस यही बात यहाँ पे आ रही है। तो भाई हमने एक तो ये बताया कि यार एक तरीका है एनसीईआरटी में, ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एनसीईआरटी का है, बहुत सिंपल सा है कि एक दो कीवर्ड आपको ध्यान रखना है इसमें, पहला कीवर्ड है पार्शियल प्रेशर और दूसरा कीवर्ड है मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू, मतलब जो यहाँ मैथमेटिकली दिख रहा है बस उसी को लैंग्वेज में लिख देना है। क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ये रहा मोल फ्रैक्शन एक्स ए, सॉरी फिर से एक्स बोल दिया, काई ए, इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। बहुत आसान है यार, क्या बोला हमने, हमने कहा कि यार किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इज इक्वल टू होता है किसके, उस कंपोनेंट के सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड, एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाइड उसी, फिर से एक बार बोलते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई
जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन के। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, और उसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो बस ये बहुत आसान है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो उसी को मैथमेटिकली हमने लिख दिया है। अब थोड़ा सा नई बात, अब केमिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म कर दी हमने, अब थोड़ा सा मैथ्स की बात करते हैं, अब थोड़ी सी मैथ्स की बात करते हैं। देखिए भाई, ये जो इक्वेशन है पी ए, और ये पी नॉट ए, और ये काई ए, ठीक है भाई, हम चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, और प्लस सी, सी तो यहाँ पे है नहीं, जीरो। अब ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स, इसका मतलब क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इसे समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बायो वालों को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेज ले रखे हैं, इससे समझिए भाई। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है भाई, ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यार कोई भी फिजिक्स में जो इक्वेशन होती है, अगर उसको हमने इस तरीके से उसको हम एक्सप्रेस कर सकें, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये जो ग्राफ होता है, इसमें ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, और ये एक्स, ये रहा एक्स, ठीक है। तो यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ पे है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कि हम उसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पास है उसको हम किस तरफ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, हम एक्स एक्सिस में किसको ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को, तो यहाँ ले लो तुम मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और वाई एक्स सॉरी, हाँ वाई पे तो हमने, अच्छा नहीं ऐसे कर देते हैं, एक्स पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन, हाँ ठीक है मोल फ्रैक्शन, और वाई पे ले लिया हमने पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक। तो अब इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब यार ग्राफ क्या ऐसा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सी को रिप्रेजेंट करता है, सी या बी जिससे भी आप देना चाहो, हम सी यहाँ पे दे रहे हैं, तो सी सिर्फ, अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यार प्लस तो कुछ है ही नहीं, यानी सी की वैल्यू क्या है, जीरो है, अगर जीरो है तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। और ये एम का क्या मतलब है भाई साहब, यार एम जो है ना स्लोप होता है ग्राफ का, एम क्या है, स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है हाइट बाई बेस, ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए इसका, इसके लिए स्लोप की वैल्यू पता करनी है, कि स्लोप की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है, तो हम कहेंगे हाइट बाई बेस, तो किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो ये हाइट है, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, हाइट बाई बेस कर देंगे, यानी कि हाइट में क्या है पार्शियल प्रेशर और बेस में क्या है मोल फ्रैक्शन, तो एम का यही तो मतलब है, ये पार्शियल प्रेशर और ये मोल फ्रैक्शन, वही बात हो गई। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बता रखा है। अब मेरा सब्जेक्ट क्योंकि मैथ्स नहीं है, तो मैं आपको बस अपनी लैंग्वेज में बताए दे रहा हूँ, समझ लेना, बाय वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो इंटरसेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है बी को, या जिसको ऊपर हमने सी बताया था, ठीक है भाई, और बाकी वाई और ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब इस वाले को देखिए, यहाँ अगर हमें यहाँ पता करना है कि इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, तो देखिए वाई और एक्स तो हमने एज इट इज ले लिया, अब हमें मान लीजिए पता करना है कि सी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है, इस ये जो वैल्यू है कितनी है, वन यहाँ ले रखा है, तो ये तो हो गई वन। पता करना है एम की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए स्लोप, स्लोप क्या बताया है, आप कहीं भी ले लो, हाइट बाई बेस, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ तक की, ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो गई थ्री, और बेस कितना है, एक मिनट, यहाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू कितनी हो गई, तो यार इतना ये वन है, फिर ये इतना और वन है, तो टोटल टू हो गया। तो हाइट यहाँ से यहाँ की अगर हाइट की बात करें तो हाइट है टू, और जो बेस है वो कितना है, वन है, तो टू बाई वन, वही यहाँ पे कर दिया, तो इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक और देख लीजिए,
ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल जो ओरिजिन है वहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर से इधर ले जा रहे हैं, और ये वाली लाइन थोड़ा सा नीचे से ले जा रहे हैं। तो देखिए ये ऊपर से ले जा रहे हैं, इसको नीचे थोड़ा नीचे से ले जा रहे हैं। तो पहले वाली जो लाइन है ये फर्स्ट वाली, इसके लिए इसके हम कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू 2x+1। तो क्योंकि 1 इसलिए क्योंकि ये वैल्यू 1 है। और नीचे वाले के लिए, इस सेकेंड वाले के लिए क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल 2x-2। तो इसमें जो इंटरसेक्शन है ये रहा -2, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए ये रहा -2, और बाकी इसका जो स्लोप है इन दोनों का ही जो स्लोप है वो सेम सेम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका स्लोप 2 आ रहा है। तो ये देखिए 2 स्लोप हमने दिया है, जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं इस तरीके से, ये तो यहाँ से यहाँ तक के लिए वैल्यू 2 है, और यहाँ से यहाँ की वैल्यू आप यहाँ से देखोगे वो 1 आएगी, और यही सेम केस इसमें भी है। यहाँ से यहाँ अगर देखें तो ये वैल्यू 4 जा रही है, और इधर तक के लिए अप्रोक्स यहाँ से इतना अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 1, यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से 2 जा रहा, तो अप्रोक्स 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सेकेंड चैप्टर में हैं, इसके बाद हम थर्ड फोर्थ चैप्टर में आएंगे। जब फोर्थ चैप्टर में आएंगे तो यहाँ पास थोड़ा सा दो तीन ग्राफ आएंगे, जितना हमारे मतलब का है उतना बस मैंने यहाँ लिया है ये, क्योंकि मैंने कहा कि कोर ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन हम अपने मतलब का यहाँ पे एक और देख लेते हैं, ये लास्ट है। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपसे पूछूँ स्लोप किस में ज़्यादा है, तो यार स्लोप जो है अगर तुम्हारी गाड़ी यहाँ से नीचे आएगी तो ज़्यादा तेज़ी से आएगी, या यहाँ से, सीधी सी बात है कि इसमें स्लोप आपको ज़्यादा दिख रहा है, स्लोप ज़्यादा दिख रहा है, देखिए वैल्यू कितनी है, 4 है, और इस वाले में स्लोप थोड़ा सा कम है, कितनी वैल्यू है, 2 है। और बाकी यहाँ से कैलकुलेट करके भी देखना हो तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हाइट और ये बेस, बेस की वैल्यू फर्स्ट वाले में कम है, और जो सेकेंड वाला है इसमें हाइट तो वही है लेकिन बेस की वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो गई, और अगर बेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो उसका स्लोप है, क्योंकि हाइट बाई बेस होता है तो स्लोप कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब ये मैंने क्यों बताया ये सब, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर हम ये जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली है, ये वाली थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने निकाली है इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, है ना, इसके लिए तो देखिए कैसे बनेगा। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, मोल फ्रैक्शन, तो भाई ये आ गया मोल फ्रैक्शन, और वाई की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पे हम कर देंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है भाई। अब क्योंकि सी तो है नहीं यहाँ पे, है ना, सी की वैल्यू तो 0 है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन तो ऐसा है नहीं कि 1, 2, 3, 4, 10 तक कितना भी कर सको, तो यार तो सीधी सी बात है, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मान लीजिए 0.5 है और यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो बस मोल फ्रैक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ये ग्राफ मैंने कंपोनेंट ए के लिए बनाया है, तो कंपोनेंट ए के लिए यहाँ पास जो ये वाली वैल्यू आ रही है पार्शियल प्रेशर की, इस वाली वैल्यू को क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे पी नॉट ए, ये पार्शियल प्रेशर के लिए है, और ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है, पी नॉट ए। तो अब इसी तरीके से हम अगर B के लिए बनाएंगे तो भाई B के लिए भी बन जाएगा, और अगर मैं अब यहाँ पे देखिए अगर मैं दोनों के लिए साथ में बना दूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं कंपोनेंट A और कंपोनेंट B के लिए जो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए हम ग्राफ अगर बनाएं तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ का क्या मतलब है, समझिए बात को, इस ग्राफ में अभी आप जो इसका राइट हैंड वाला पार्ट है इसको भूल जाइए, इसको हम हटा ही देते हैं, ये ठीक है, अभी हम केवल इतने की बात करते हैं, अभी हम केवल इतने की बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये किसके लिए है, कंपोनेंट ए के लिए, ठीक है भाई, तो भाई कंपोनेंट बी के लिए है, ठीक है, ये कंपोनेंट बी के लिए, इसको भूल जाइए यहाँ क्या लिखा है। अब यार कंपोनेंट बी जो है, कंपोनेंट बी के लिए ये मोल फ्रैक्शन है और ये क्या है, ये वेपर प्रेशर है, ठीक है। जब कंपोनेंट बी
जब कंपोनेंट बी बिल्कुल ज़ीरो होता है तब उसका वेपर प्रेशर भी ज़ीरो होता है। जब कंपोनेंट बी का पहले मोल फ्रैक्शन क्या था, ज़ीरो, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या था, ज़ीरो। अब कंपोनेंट जो बी है उसको थोड़ा सामने इंक्रीज़ किया यहाँ तक, तो उसका वेपर प्रेशर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पास, ये वेपर प्रेशर की ये वाली वैल्यू आ गई। हमने इसका मोल फ्रैक्शन थोड़ा और इंक्रीज़ किया, हम यहाँ तक पहुँचा दिए, तब इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पहुँच गया, कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है भाई। अब मोल फ्रैक्शन हम ले जाते हैं मैक्सिमम कहाँ पहुँचा सकते हैं, 1 तक पहुँचा सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये वो कंडीशन है जब केवल कंटेनर में कंपोनेंट ए है और बी बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपोनेंट ए को थोड़ा बाहर निकाल लिया गया है और बी वाला जो कंपोनेंट है वो ऐड कर दिया गया है। ऐसा करते 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 एक कंडीशन आई जब हमने ए वाले कंपोनेंट को पूरी तरह से बाहर कर दिया है और हमारे पास अब कौन सा कंपोनेंट है, केवल बी वाला है। जब ये कंडीशन आएगी तब जो वेपर प्रेशर बी का बनेगा, जो वेपर प्रेशर बी का बनेगा उसको अब हम क्या बोल देंगे, अब हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पी नॉट बी। मान लीजिए इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर पूछा जाए तो इसको केवल पी बी लिखा जाएगा, ये क्या है, वेपर प्रेशर है। यहाँ पास वेपर प्रेशर पूछा जाए तो पी बी लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई साहब यहाँ पास जो वेपर प्रेशर होगा जब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाए, 1, यानी जब अकेला वही लिक्विड है, अकेला वही लिक्विड है, तो उस अकेले अकेले का मतलब क्या हुआ, प्योर, और कुछ है ही नहीं उसमें। तो जब प्योर लिक्विड ही आपने ले लिया, कुछ और उसमें डाला ही नहीं है आपने, तब जो उसका वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या होगा, पी नॉट होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम ए के लिए ग्राफ बनाएं, तो देखिए इस पॉइंट पे काई ए इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए बिल्कुल नहीं है, 100% कंटेनर में कौन है, केवल बी है। अच्छा थोड़ा आगे जाएं, मान लीजिए हम थोड़ा सा आगे गए, हम थोड़ा आगे यहाँ पहुँचे, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि अब हमने ए वाला जो कंपोनेंट है वो थोड़ा ऐड किया कंटेनर में और बी वाले कंपोनेंट को बाहर निकाल दिया, तब क्या हुआ, तब ए का कुछ पार्शियल प्रेशर बनेगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ए, बस अभी नॉट नहीं लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने फिर बी को कुछ बाहर निकाला, ए को और ऐड कर दिया, तो इस टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर बना उसको भी हम पी ए, अगर मान लीजिए दोनों सेम सेम है तो इसको पी ए 1 कर दो, इसको पी ए 2 कर दो, और आगे बढ़ेंगे तो जब मोल फ्रैक्शन यहाँ पहुँच जाएगा, यानी बी को आपने काफ़ी निकाल दिया, ए काफ़ी ऐड कर दिया, ऐसा करते करते आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे। जब क्या होगा, जब बी बिल्कुल भी कंटेनर में नहीं होगा और कंटेनर में केवल क्या है, केवल ए है, तो हम क्या कहेंगे, ए प्योर। भाई जब आप उसमें कुछ ऐड ही नहीं कर रहे हो तो वो प्योर ना हुआ, और जब वो प्योर होता है तब उसका जो वेपर प्रेशर बनता है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट ए से, ठीक है भाई। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यार कंटेनर में जब केवल ए होता है तब इतना प्रेशर जनरेट होता है। मान लो हम इस प्रेशर को वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए कि हम इसको दे दिए 5 यूनिट, ठीक है भाई, 5 यूनिट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जब अकेला ए होता है तो पार्शियल प्रेशर कितना बनता है, 5, जब अकेला बी होता है तो पार्शियल प्रेशर कितना बनता है, 10। अब मान लो दोनों को मिक्स कर दें, तो आप पूछोगे सर मिक्स तो कर दें लेकिन आपने किस रेशियो में मिक्स किया, तो हम कहते हैं चलो यार 50-50 मामला कर लेते हैं। अच्छा 50-50, ठीक है। तो अगर हम 50-50 का मामला करेंगे ना, तो जानते हो क्या होगा, इस लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट क्या है, इस लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट मान लो, ऐसे अभी लग रहा है कि शायद यहाँ पे होना चाहिए कुछ, है ना, ये और ये, तो भाई मिड पॉइंट पे ए का पार्शियल प्रेशर इतना होता है और बी का इतना होता है, इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। भाई इतनी वैल्यू को और इतनी वैल्यू को ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू बन जाएगी, इतना। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ, जहाँ पे मैं लगातार इसको बोल्ड कर रहा हूँ, भाई साहब ये क्या है, तो कहेंगे हम ये मिक्सचर का, ये सॉल्यूशन जो मिक्सचर बना है ये उसका वेपर प्रेशर है, मतलब इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अब आप इसी हिसाब से आगे पीछे कर लो। अब आप मान लीजिए ऐसा कहो कि अच्छा ऐसा करते हैं कि जो बी वाला कंपोनेंट है उसको 75% कर दो, तो ठीक है भाई, बी यहाँ पास 1 था पूरा का पूरा,
तो 75 का मतलब शायद यहां तक की बात होगी। बी अगर आप लेना चाहते हो ज्यादा, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ऐसा होगा। ए का अमाउंट बहुत कम है इतना, और बी का अमाउंट इतना है 75%। तब इस कंडीशन में जो इनका वेपर प्रेशर बनेगा वो कहाँ पास पहुंचेगा, वो यहाँ पास पहुंचेगा इस तरीके से। ये है भाई। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना बताने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा।